हेलो मेरे दोस्तों, तो कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। तो कई सर, कई बार ऐसा होता है ना कि यार हम लोग किसी के साथ पार्टनर वगैरह में खड़े होते हैं, ना चाहते हुए भी हमारी आपस में लड़ाई हो जाती है या हमारे किसी फ्रेंडशिप से आपस में लड़ाई हो गई, तो उसकी वजह से हम लोग एक दूसरे को अनफ्रेंड कर देते हैं, हटा देते हैं अपनी फ्रेंड लिस्ट से। तो उसके बाद क्या होता है कि जो हमारी सिनर्जी वगैरह होती है जिस बंदे के साथ, तो वो बिल्कुल ही ज़ीरो हो जाती है। नो डाउट सारी स्टेट्स रहते हैं, लेकिन हाँ यहाँ पर जो सिनर्जी वगैरह होती है वो बिल्कुल ज़ीरो जाती है। फिर आप सोचते हो कि यार क्या कर दिया मैंने, पछतावा होता है कि यार अब क्या करेंगे, सिनर्जी वगैरह कैसे वापस लाएंगे। तो यार आज की वीडियो में आपको ऐसी सी ट्रिक बताने वाला हूँ जिससे आप लोग अपने फ्रेंड के साथ 2 से 3 दिन के अंदर में 400 से 500 सिनर्जी कर सकते हो और अपने साथ खड़े हो सकते हो, बोले तो पार्टनरशिप में खड़े हो सकते हो। ठीक है, तो कैसे करना रहेगा आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा कमाल की एंड हेल्पफुल होने वाली आप लोगों के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आप लोग इस वीडियो को लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सर आप सभी लोग को देखो बता दूं कि आप सभी लोग का क्या है कि सिनर्जी कैसे बढ़ती है किसी भी फ्रेंड के साथ। देखो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि आपको किसी भी फ्रेंड के साथ सिनर्जी बढ़ानी है तो उसके लिए आप लोग को गेम खेलना होता है उसके साथ। तो जैसे आप लोग गेम खेलते होगे तो आप सभी लोग को पता है कि पर गेम में आपको कितनी मिलती है। तो कोई भी फ्रेंड के साथ अगर आप टीम अप करते हो तो पर मैच आपको 6 सिनर्जी पॉइंट इंक्रीज होती है। ठीक है, ये तो आप सभी लोग को पता ही होगा। और आप लोग को बता दूं कि देखो डेली आप लोग को कितनी सिनर्जी पॉइंट आप इंक्रीज कर सकते हो, वो होने वाली है 36 से ज्यादा आप इंक्रीज, सॉरी 35 जो इनके रूल के अकॉर्डिंग है वो है। ठीक है, पर मैं आपको बताता हूँ 35 नहीं, आप लोग एक गेम में उससे भी ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आता है सेंड डेली गिफ्ट। अब डेली गिफ्ट क्या होता है, लाइक जैसे कि पॉपुलैरिटी वगैरह हम सेंड करते हैं वो है। ठीक है, आपको पर पॉपुलैरिटी 1 सिनर्जी पॉइंट इंक्रीज होता है, बाइक देते हो तो 2 सिनर्जी बढ़ती है, तो ये चीज है। ठीक है, लेकिन गाइस अगर आप लोग सब कुछ कैलकुलेट करो, अगर आप इन गेम में जाके गेम खेल के साथ में अगर आप लाइक भी करते हो तो आपको +2 सिनर्जी इंक्रीज होती है। तो अगर सब कुछ कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है कि डिटेल मैक्सिमम डेली सिनर्जी इंक्रीज 35। तो इतने में तो हम लोग को लगभग 10 से 15 दिन लग जाएगा हम लोग को सिनर्जी वगैरह इंक्रीज करने में। लेकिन गाइस मैं आपको अब एक तरीका बताने वाला हूँ कि जिससे आपकी सिनर्जी बहुत जल्दी इंक्रीज होगी। ठीक है, फर्स्ट आप लोग को क्या करना है कि देखो गाइस बीच में के अंदर एक मूवमेंट का ऑप्शन आ चुका है, इसमें क्या है कि आप लोग डेली 20 पोस्ट कर सकते हो। ठीक है, अब 20 पोस्ट करने पे ये होगा कि आप सभी लोग को, जैसे कि मान लो कि किसी भी पोस्ट को अगर आप लाइक करते हो, जैसे कि बंदा लाइक कर रहा हूं मैंने इस पोस्ट को, तो मेरी 2 सिनर्जी पॉइंट इंक्रीज हो गई। तो मतलब अगर कोई भी बंदा आपकी पोस्ट को लाइक करता है तो उसके साथ आपकी 2 सिनर्जी इंक्रीज होती है, और जिसको आप जिसके साथ आपको इंक्रीज करना है तो वो भी 20 पोस्ट कर सकता है, आप भी 20 पोस्ट कर सकते हो, दोनों एक दूसरे की लाइक कर सकते हो। तो इस तरीके से आप लोग को लगभग, और शायद कि इससे कभी आगे चल के एक एक मिलने लगता है और शुरू शुरू में 2-2 मिलता है, तो लगभग इससे 30 के करीब आप लोग को सिनर्जी पॉइंट इंक्रीज हो जाती है। तो दोनों लोग करोगे तो 60 इंक्रीज हो जाएगी एक ही झटके में, बोले तो 3 से 4 मिनट के अंदर में। ठीक है, तो गाइस ये तरीका तो हो गया। अब जो दूसरा तरीका आता है वो ये है कि आप लोग किसी भी फ्रेंड के साथ जो कि आपके साथ सिनर्जी बिल्ड करनी है उसके साथ आप लोग 2 से 3-4 दिन लगातार गेम खेलो, तो आप लोग का एक कनेक्शन और बिल्ड हो जाता है कि जिसके साथ आप लगातार गेम वगैरह खेलते हो। अभी मेरे साथ किसी का बिल्ड नहीं है, पता नहीं मैंने खेला नहीं किसी के साथ लगभग काफी दिनों से, तो उससे होता है फ्रेंडशिप मेडल करके आ जाता है। ठीक है, किसी के साथ 1 आ जाएगा, किसी के साथ 2 आ जाएगा, किसी के साथ 3 आ जाएगा, जिससे ये फायदा होता है कि आप लोग को हर वीक के अंदर आपको इंक्रीज 100+ एनर्जी पॉइंट आप लोग को फ्री में देखने को मिलता है बीच माए वाले की तरफ से। जैसे आपके उस बंदे के साथ अच्छे से रिलेशन रहेगा, गेम अगर साथ में खेलोगे तो बीच माए वाले आपको खुद आपकी सिनर्जी इंक्रीज करते हैं। जिसमें आप लोग को बता देता हूँ कि देखो गाइस जो यहाँ पे रही बात पॉपुलैरिटी की, जैसे कि हम लोग की जो सिनर्जी इंक्रीज होती है उसमें पॉपुलैरिटी वगैरह भी हम लोग सेंड करके इंक्रीज करते हैं, और जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि सेंड डेली गिफ्ट +1। ठीक है, तो ये +1 जो होता है वो इनके लिए होता है, और जो हम लोग सेंड करते हैं बाइक वगैरह एक्स्ट्रा वो अलग से काउंट होती है। ऐसा नहीं कि आपने सिनर्जी आज की कंप्लीट कर ली और बाइक वगैरह सेंड करोगे तो उससे सिनर्जी नहीं बढ़ेगी, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, सिनर्जी बढ़ती रहती है। आप लोग को अगर बाइक वगैरह आपके पास रहती है तो आप लोग अपने फ्रेंड्स वगैरह को सेंड करके देख लेना कि अगर डेली लिमिट कंप्लीट हो चुकी है उसके बाद भी अगर आप सेंड करते हो उस बंदे को तब भी जो आपकी सिनर्जी है वो इंक्रीज होगी, ये देख सकते हो कि इंक्रीज बाय 1। ठीक है, तो इस तरीके से सिनर्जी वगैरह आपकी इंक्रीज होती रहती है, आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है गाइस, यही जो ट्रिक थी मैंने आपको समझा दिया है, आप लोग बस मूवमेंट से ज्यादा जल्दी सिनर्जी इंक्रीज कर सकते हो। आज मैंने सारी चीजें बता दी है जिससे मैं यूज करता हूँ जल्दी जल्दी सिनर्जी इंक्रीज करने के लिए। तो चलो गाइस यही था आज की इस वीडियो में, और मेरे खांसी वगैरह ज्यादा आ रही है तो बोलने में भी दिक्कत हो रही है। तो चलो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद हो तो लाइक कर देना, प्यारा सा कमेंट कर देना एंड चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना।